गायत्री परिवार उपजोन की बैठक शांति कुंज हरिद्वार के केंद्रीय प्रतिनिधि वाराणसी जोन के समन्वयक प्रसेन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपजोन गोरखपुर के अलावा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के ट्रस्टी एवं प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक में युग निर्माण योजना के अंतर्गत एवं शांति कुंज द्वारा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में क्रियान्वित योजनाओं के सापेक्ष किए गए कार्यों की आख्याएं प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में वाराणसी जोन के समन्वयक प्रसेन सिंह ने बताया कि इस समय की परिस्थितियां देश स्तर पर नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर ऐसी बन गई हैं कि धर्म को दबाकर अधर्म हावी होना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का हर परिवार, हर गांव, हर व्यक्ति कैसे देवता बनेगा, उसी के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर गोविंद मिश्रा, जे एन द्विवेदी, डी डी वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, अजय गुप्ता, गणेश यादव, दीनानाथ सिंह, जे वी राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी जोन के समन्वयक प्रसेन सिंह ने कहा, इस मिशन की ओर से उनको भी एक सम्मानित करने का हमारा मन रहा है। तो जब हम सबने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया, लेकिन आज पुनः फिर सुरक्षित हम सब लोग यहाँ किसी तरह से आएगा हमारा समापन हो सकता है। बस हम जिस कार्य के लिए धरती पर गुरु जी ने भेजा, ऐसी सद्बुद्धि और शक्ति माँ हमें प्रदान करे। एक बार सामूहिक ढंग से हम लोग माँ के चरणों में अपने एक तरफ से शुरू करेंगे महाराजगंज में जब बैठता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है। 200-250 भाई लोग बैठते हैं और सब अपने यूनिफॉर्म में बैठते हैं। 3 घंटा हो जाता है, हमका भूख लग गए, खाना खाए जाए, कहने बहुत भूख नहीं लगी, भूख तो आपने मिटा दिया। इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ तो शुरुआत भी आज हमारी वहीं से होगी। देखिए, मैं बनारस जोन के समन्वयक के रूप में यहाँ पर आया हूँ। ये हमारे उपजोन के अंदर की आज बैठक है जिसमें 6 जिला के लोग यहाँ आए हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और देवरिया। ये 6 जिले के हीरे लोग हैं जो मुख्य कार्यकर्ता अपने गुरु की आत्मा समझो ये यहाँ आज के बैठी हैं। ये जिस भूमि पर आप बैठे हो ये देवभूमि है, ऋषियों की तपस्थली है। आज की परिस्थिति जिस तरह की पूरे देश स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर बन गई है, तो कभी हम जगत गुरु के रूप में, सम्राट के रूप में पूरे विश्व का नियोजन करते थे और बताने की जरूरत नहीं है आज हमारी क्या स्थिति खड़ी हो गई है। तो जब उन्होंने कहा यदा यदा धर्म से, यानी जब ऐसी परिस्थिति होगी कि धर्म को दबा के अधर्म हावी होना चाहेगा, मनुष्यता को मिटा करके दानवता अपनी अस्तित्व बनानी चाहेगी, तो हम किसी न किसी रूप में आएंगे। उसी रूप में हमारे गुरु जी माता जी आए धरती पर और उन्होंने संकल्प लिया, जैसे राम ने संकल्प लिया कि हम धरती को निश्चरहीन करेंगे, तो इन्होंने संकल्प लिया कि हम धरती को स्वर्ग, मनुष्य को देवता बनाएंगे। अब मनुष्य कैसे देवता बनेगा और हमारा पूरा देश का हर गाँव,
हर परिवार हर व्यक्ति कैसे देवता बनेगा, आज उसी से संबंधित हमारी यहाँ की बैठक और गोष्ठी थी। घर घर में हम देव स्थापना कर रहे हैं और देव स्थापना के साथ जो नियम बताए गए हैं कि परिवार को, हमारा जो परिवार जब देवगुरु था, सम्राट के रूप में था, तो क्यों था, कैसे था, वो दिनचर्या हमारे परिवार में पुनः फिर से वापस लाई जा रही है और उसी से जुड़ी जो हमारी दिनचर्या है, खान पान है, सुबह शाम जहाँ हमारे यहाँ आरती, शंख, घड़ियाल, नाद और भजन कीर्तन होते थे, वो किस रूप में इसको बताना नहीं, आप जानते हो, उसी के परिवर्तन के लिए आज ये सारी योजना बनाई गई है। बस